राजनीति बदल गई। मार्टिन लूथर किंग का पूरा आंदोलन गांधी जी से प्रेरित था और उस आंदोलन के नतीजे में पहली बार वहां एक काले रंग का आदमी प्रेसिडेंट बन गया और समाज में जुड़ाव का अगर दूसरा तरीका अपनाते तो समाज टूटता। महात्मा गांधी का तरीका अपनाया तो जो कमजोर वर्ग थे वो सशक्त बने और समाज टूटा। सर आपने नहीं नहीं ये सही, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हम सब सचेत रहेंगे इस खतरे के प्रति और जो भी एहतियाती कदम हमें बताया जाता है वो उठाएंगे।
धन्यवाद। एक प्रगतिशील मुस्लिम चेहरे की तरफ आप लोग देखते हैं, सर आज मैं कभी अपने आप को उस तरह नहीं पेश करता, ना मैं देखता हूँ मैं भारतीय हूँ, वो मेरी पहचान। सर जो आज राजनीति हो रही जिस तरह से खासकर यूपी में हिंदू और मुस्लिम को लेकर, उसके बारे में सर कुछ? कोई नहीं, शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, मैंने आपको भी बता दिया, मैं जो करूँगा वो मेरे सामने आए। सर जो गांधी जी के ख्यालात हैं उनको आज के दौर में आप कहाँ पे देखते हैं, क्या नहीं लगता है कि उनके सामने चैलेंजेस बढ़ गए? मैं समझता हूँ कि गांधी जी की प्रासंगिकता का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता कि अमेरिका की राजनीति बदल गई। मार्टिन लूथर किंग का पूरा आंदोलन गांधी जी से प्रेरित था और उस आंदोलन के नतीजे में पहली बार वहाँ एक काले रंग का आदमी प्रेसिडेंट बन गया और समाज में जुड़ाव कर चुका। अगर दूसरा तरीका अपनाते तो समाज टूटता। महात्मा गांधी का तारा गांधी जयंती को लेकर आज एक प्रोग्राम था जिसमें केरल के राज्यपाल आए थे, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। कैसा सबक देख रहे हैं आप लोग खासकर बारामती की जनता के लिए, कई चीज़ें बता के गए? देखिए जनता क्या सीखती है ये तो जनता जाने। हमारा काम ये है कि हम 1978 से गांधी जयंती का काम कर रहे हैं, गांधी दर्शन पर काम कर रहे हैं और ये काम हमारा निरंतर जब तक हम जीवित हैं जारी रहेगा और ये एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। पहले दिन इसका उद्घाटन हुआ, दूसरे दिन सुबह गांधी जीवन दर्शन पर परिचर्चा हुई, शाम को ये परिचर्चा आरिफ मोहम्मद खां को आना था उन्होंने किया और उसके बाद अब यहाँ एक कवि सम्मेलन और मुशायरा है और कवि सम्मेलन और मुशायरे के बाद कल खेलकूद की प्रतियोगिता है और फिर उसके बाद जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के डायरेक्टर हैं दिल्ली के, वो 7 तारीख को यहाँ पर समापन करेंगे। हमारा एक ये प्रयास, नया प्रयास है कि गांधी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि खेल कूद का एक क्लब हमने बनाया है जिसमें बहुत छोटे छोटे गरीब लोगों के बच्चों को हम ड्रेस देंगे, कपड़ा देंगे। आज भी हमने करीब करीब 30,000 रुपए की हॉकी और वो मोजे और उनके लिए सामान बच्चों के लिए मंगाए हैं जिससे वो गरीब बच्चे बड़े लोगों के बच्चों के साथ जब खेलें तो उनको हीन भावना का अनुभव न हो, ये प्रयास हमारा है। हम गांधी के विचारों को आम आदमी तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि गांधी एक सद्भावना के प्रतीक थे, गांधी एक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे, गांधी सभी जातियों और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। गांधी का जो दर्शन है वो आज सारी दुनिया में, जो गांधी को नहीं भी मानते, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी विचारधारा भिन्न हो सकती है लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचते हैं, ब्रिटेन पहुंचते हैं, फ्रांस पहुंचते हैं और यहाँ तक कि जो सबसे वो देश है जिसका इज़राइल, तो इज़राइल में भी गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। ये दुर्लभ वस्तु है कि इज़राइल में भी गांधी की प्रतिमा है, लंदन में तो चर्चिल के बगल में पार्लियामेंट के सामने प्रतिमा लगी है, अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिमा लगी है। तो सारे विश्व में प्रधानमंत्री जाते हैं तब उनको भी गांधी का एहसास